बारिश हो गई है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं तो कब से उठी हुई हूँ, नज़ारे देख रही हूँ। फिर मैंने अभी पुष्पा को उठाया है, मैंने भी देखो बाहर कैसी अच्छी बारिश हो रही है। ठीक है, राधे राधे। आज देखो बाहर मौसम कितना ख़राब हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं श्री कृष्णा के पास जा रही हूँ, मेरी नीलमणि के पास जा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत प्यार। और कृष्णा का बचपन का रूप है नीलमणि, जन्म का। तो बस मुझे तो राय मिले, मुझे मिले भी दिखे भी उसी रूप में, मेरे कृष्णा मुझे बहुत प्यार है नीलमणि के रूप में। और आंधी तूफान का मौसम हो रहा है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे कृष्णा साथ हैं, हमें ज़रूर पहुँचाएंगे अपने धाम में, वृंदावन पहुँचाएंगे हमें। और बस आप लोग भी देखते रहे, इन्जॉय करें, मौसम को भी इन्जॉय करना आप लोग भी। और डर भी लग रहा है, ये इन्जॉय करने वाला मौसम नहीं है, बहुत डरावना है। पता है क्यों? आंधी और तूफान, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है और साथ में ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। और ये देखे बारिश भी आ रही है। और बस बहुत खुश हूँ, सब यात्रा हमने यात्रा करते हुए आ रहे, बस ये आखिरी वृंदावन की यात्रा है हमारी, ये भी हमारी सफल हो। बस जय श्री राम। ये देखो बारिश फिर शुरू हो गई, तेज पानी आ रहा है। खिड़की बंद, बारिश तेज हो गई, हवा भी चल रही है साथ में। अब देखिए बारिश ऐसी हो रही है जैसे नंदिनी कृष्णा को लेके जाते हैं देवकी के पास, ऐसी तेज तूफानी बारिश में जा रहे हैं। आज उसके भक्त भी कृष्णा से मिलने ऐसे ही जा रहे हैं। और बस आप बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझसे तो बात भी नहीं हो रही है कि मैं क्या बोलूँ, थोड़ा तो बारिश आ रही है, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, कृष्णा हमारे साथ है। बस थोड़ा सा अपन भजन भी गाते हैं, तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। गाओ। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ शमा, तू ही जाने, तू ही जाने। बालक लेकर जाओ नंदी जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। बस भगवान हम भी आ रहे हैं आपसे मिलने, और हमारे पे दया करना, और सारे जो भी रुकावटें सारे बंधन सब खत्म कर देना, और हम आपकी नगरी में आए, गोकुल आए। जय श्री राम। प्रसादी किए पहुंचे हैं और अभी यहाँ आए तो बारात जा रही है, बड़ी धूम करेंगे। जिसके भी पर हमने एंजॉय कर लिया, गोकुल में आते कृष्ण भगवान ने इतना बड़ा एंजॉय करवा दिया। सब आए करो,
गोपाल भी पाकिस्तान से यात्रा करते आ रहे हमारे साथ, हमारा ख्याल रखते हुए, और विंदा और हमें यहाँ की भी यात्रा सब कराएंगे, कराएंगे, गोकुल भी जाएंगे, वृंदावन वृंदावन भी हमें लेके जाएंगे, मेरे नीलमणि। और ये वाली हमारी माता जी है जो इनकी सेवा करती है, कुछ बोले। बस हम अपने लड्डू गोपाल को लेके आए, हम गोकुल में आए हैं, हमारी उम्मीद है कि वृंदावन भी जाए हम, बस अब भगवान लड्डू गोपाल ही हमें लेके जाएंगे वृंदावन, राधा रानी की कृपा। हरे कृष्णा। हम सब यात्री यहाँ पर गोकुल में आ गए हैं लड्डू गोपाल के साथ, और अब हम अपनी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें वृंदावन, मथुरा, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज की परिक्रमा, ये सारी हमारी जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी करें, और यही हम प्रार्थना करते हैं। भगवान के रज में ब्रज इसी के लिए आते हैं, बड़े बड़े देव मुनि ऋषि मुनि यहाँ भगवान के घर में तब करते हैं, भजन नहीं करते, यहाँ भाव रखते हैं। क्या रखते हैं प्रभु? भाव रखते हैं। हमारा भारत का संस्कृति अमेरिका में भी चला गया, हरे कृष्णा हरे राम वाला, अपना अपना ठाकुर जी के मार्ग नहीं है। राधे राधे। आज आप लोग कितने भाग्यशाली गोकुल में, और कह रहे हैं गोकुल में 4 वर्ष तक भगवान का पूरा ब्रज भगवान का है, लीला लेख है, बाल रूप या है तो पहाड़ कहीं उठाया है, काली नाग को कहीं नाता है, श्रीमद भागवत में लेकर श्रीमद गोकुल सर्वस्व, ये ब्रह्मा ने नहीं बसाया, ये स्वयं नारायण ने बसाया। ब्रज से बड़ा कोई लोक नहीं है, देव लोक से बढ़कर ये देव पाताल लोक नागराज ये ब्रज में आए काली आदि दमन के लिए, स्वयं सब पर्वत यहाँ आ गए गिरिराज में वास करने के लिए। तीन पर्वत है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु है, सब बोलता लेकिन परम पर्वत है। हाँ, और गोकुल जो है वो श्री पर्वत पर, और गिरिराज सब एक ही लीला है। अब इतना सब कुछ तुमको मिला, तुम्हारा भाग कृष्ण की कुंज गली है, हम लोग कुंज गलियों में एंटर हो रहे हैं, ये गोकुल है गलियों में, अब हम लोग इंटर हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी छोटी, और ये पहला हमारा पहला दिव्य दर्शन है कृष्ण भगवान के गोकुल का। देखो यह तालाब का नाम है पोतरा कुंड, जैसे घर में माता बहन लोग के बच्चे होते हैं, कपड़े होते हैं बच्चे लोग के छठी वाले, भगवान जी हुए 6 दिन, यशोदा जी ने कपड़े धोए लेटरिन वाले, सामने कदम के पेड़ हैं 2 कदम, यह कदम का पेड़ है, 1 कदम पेड़ी से इसके पीछे है जंगल, भगवान जी ने गाय चराई बंसी बजाई, नाम हुआ बंसी बा, मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर गाँव को, यहाँ से यात्रा आरंभ है, यहाँ आके पूर्ण है। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये नदी है, ये वाली नदी है, खाली नहीं जाती है, ये नदी है जहाँ पर माता ने कपड़े धोए थे। राधे राधे बोलते रहो भाई, राधे 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 राधे। आपके दादा परदादाओं का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है, इस भूमि आप आ गए। जय बोलो नंद बाबा की जय। देखो ये नंद का द्वार है, नंद द्वार, श्री कृष्ण के जन्म हुए मथुरा, कहाँ हुए? मथुरा। वसुदेव जी लाए रात्रि के 12 बजे, ऐसे यहाँ 7 दरवाजे, कितने? 7। पहले का नाम नंद द्वार, इसके बाई हाथ आगे भजन आश्रम, जो गरीब माई लोग होते हैं जिनके पति नहीं बच्चे नहीं कोई घर से निकाल दिए, वो सुबह 6 से 9 भजन करते हैं, शाम को 2 से 5, ऐसे यहाँ 5-6 भजन आश्रम, मथुरा वृंदावन बरसाना गोवर्धन गोकुल, यहाँ की माई नहीं ये पूरे भारत की माई है, जिसके पति नहीं बच्चे नहीं कोई घर से निकाल दिए,
आप लोग मेन मंदिर में दान देते हैं इनको खाने को मिलता है। यह गांव है गोकुल छोटा मगर धाम बड़ा। एक पेड़ गोकुल लगा डार गई जगर नाम, फूल से फूले द्वार का फल लगा बद्री। चार धाम के माँ बाप का घर गोकुल, ऐसे सात दरवाजे, पहले का नाम नंद द्वार। जय बोलो नंद बाबा की, राधे राधे बोलो। ये नंद दरवाजा है। छोटी छोटी की राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। जिसका नाम बोलते हैं राष्ट्र, जो जन्माष्टमी आती है, अष्टमी तो सारी जगह मनाते हैं, पर यहाँ एक दिन पीछे नवमी मनाते हैं। नवमी क्या मनाती है? नवमी। अष्टमी को मथुरा पैदा हुए तो यहाँ सुबह मालूम है एक दिन बाद। तो बड़ा मंदिर भगवान अवशेष होते दूध दही सैन लड्डू पेड़े सोने चांदी यहाँ लुटाते, जो बोलते हैं नंद के आनंद हुए। जय कन्हैया जो आनंद को हाथी घोड़े बूढ़े लोग को पाल की। जय कन्हैया। यह गली का नाम है कुंज गली। कुंज गली फिर बोलेंगे पंडित जी साथ में थे उन्हें बताया नहीं, आगे आगे दौड़ गई। यह गली का नाम है कुंज गली। इस गली में कृष्ण जी बलराम जी गोपी लोगों की मटकी फोड़ के भक्ति। यह गली है कुंज गली। यह बोलो कुंज भगवान। मक्खन चोरी करते थे और गोपियों के पीछे भागते थे। कुंज गली है। कुंज गली में राधे राधे। 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 राम राधे राधे राधे। राम राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान। देखो यह गली मैंने आपको बोली कुंज गली। इस गली का नाम है मक्खन चोर गली। भगवान कृष्ण कहते रहे क्या मैं ना ही माखने खायो। यह गली है मक्खन चोर। जो लोग चप्पल जूते लाए हैं वो पहन के रखना, जा रहे हैं ये रास्ते निकलेंगे आप दूसरे रास्ते। चप्पल जूते कोई खोलना नहीं और हंसने से कोई ये नहीं कहना कि बाबा हमसे कोई मजाक करना नहीं, नहीं, नहीं। मेरे आपका मजाक का मतलब नहीं, नहीं। हमारे यहाँ कहना बताए यहाँ हंसेंगे वाखा जिंदगी हंसते रहेंगे। ये मक्खन चोर गली है पापा। यहाँ पर कृष्ण जी मक्खन चोरी करते थे, रास लीलाएं करते थे। मक्खन चोरी करते थे, कुंज गलियों में घूम रहे। अरे कैसा लग रहा है पापा? अम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे नींदमणि की नगरी में मैं आई हूँ, बस मुझे मेरा नींदमणि मेरा पल्लू खींचे मिलेगा। मिलेगा आपको लड्डू गोपाल मिलेगा। नीलमणि मिल जाए। बड़े भाग्य से तो आना हुआ है। जी जी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पापा। कैसा लग रहा है? अरे वाह बहुत बढ़िया। सारा ज्ञान मिल रहा है यहां। ज्ञान मिल रहा है। अरे जा रहे हैं अजीत भाई हो रहे जीवन सुखी सब लोग वहां के जीवन का सदा। क्या हो गया भाई? प्रभु जी कैसे जा रहे हैं? प्रभु जी एक दाता एक उपकार दाता। ये महाराज जी आए हैं तो इनको उपकार मिल रहा है, इतने लोगों को साथ ले आए। देखो जैसे आप लोग अपना घर छोड़ के आए हैं किसके लिए? भगवान के दर्शन। इस गांव में सबसे पहले कौन आए? शंकर भगवान। कौन आए थे? हर हर महादेव। भोलेनाथ। किसके लिए? भगवान का बाल रूप देखने।
तो यहाँ तीन रात नहीं रही, कितने दिन? तीन रात देखा। आप लोग गोकुल आए हैं तो तीन रात्रि नहीं रहे, आगे भोलेनाथ का तप करने का जगह, तो वहाँ आप लोग थोड़ा देर बैठेंगे, बैठेंगे स्त्री पुरुष है तो साथ बैठे, कोई माँ बेटे हैं साथ, पिता पुत्र हैं साथ, कोई की बहन है, लड़की है, भाई है, शादी हो गई वो साथ में नहीं बैठे, शादी नहीं होती है लड़की बहन अपनी, शादी हुई तो दूसरी। आपके पास में मोबाइल कैमरा मंदिर में अलाउ नहीं है, अपने पास रखना और थोड़ा देर बंद कर। आप लोग गोकुल घूमेंगे या मुसलमान नहीं, कसाई नहीं, सफाई करने वाला नहीं, यहाँ प्याज नहीं मिलेगी, लहसुन नहीं, शराब नहीं, मसूर की दाल, अंडा आज भी यहाँ बिक रही नहीं। अभी आप लोग कैसे चल रहे हैं और मंदिर जाएंगे, जो माता बहन की शादी हो गई उनको सिर ढकना जरूरी है, छोटी बेटी है उसको जरूरी नहीं, मोबाइल वहाँ मंदिर में अलाउ नहीं, अपने पास रखना और थोड़ा देर बंद बंद। राधे 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 राधे। देखो घर में आप एक नाम लेंगे तो एक का एक ही मिलेगा, पर यहाँ एक करेंगे तो हजारों मिलेंगे। हमारे यहाँ कहना बोल पग पवित्र तीरथ गम कर पवित्र पुष्प धाम, मुख पवित्र जब होगा भजले राधे राधे। आप घर में एक नाम लेंगे तो एक का एक ही है, पर यहाँ एक करेंगे तो हजारों राधे राधे राधे। महादेव शंकर भोले दादा ने तीन दिन बैठे थे ना कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, ये वो जगह पे लेके जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं आए थे और गोपाल रूप में दर्शन करना चाहते थे कृष्ण जी के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घुटनों से चले थे, घुटनों से चले थे, चलेंगे चलेंगे आगे, यहाँ नहीं आगे। राधे 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 राधे। जो गोकुल में हंसेगा वो शंकर हंसेगा, हंसी है जब बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप लोग घर में जन्माष्टमी का व्रत मनाते हैं, टीवी में देखते हैं, वो यहीं का मने नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, जवानन को हाथी घोड़े, बूढ़े लोग को पाल की, जय कन्हैया लाल की। जो लोग चप्पल जूते लाए हैं वो आप लोग अंदर निकालें, मोबाइल यहाँ अंदर अलाउ नहीं है, चप्पल जूते लाए हैं अंदर, किसी ने कुछ खाया पिया है, झूठा हाथ किया है, इस साइड पानी है, थोड़ा नल में हाथ धोए, यहाँ भगवान जी का झूला अपने हाथ से धुलाना पड़ेगा, संसार की डोरी किसके हाथ में है भगवान, पर यहाँ भगवान की डोरी है वो अपने हाथ में आएगी, हंसो आ। यह वीडियो अलाउ नहीं है। खाई थी मुंह खोला था। ये गोकुल धाम है, नंद जी का घर है, भवन है। देखो गोकुल में है यहाँ पे कितने सारे बंदर है। पीजा पीजा देख बंदरिया दादी बना रही तेरे लिए, बोल रही है नाच करेंगी बोलरी, नाच करेंगी बोलरी।